स्पेस यूनिकॉर्न शेरी और रेनबो यूनिकॉर्न लीली बहुत अलग है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लाल इलू पर इनके एडवेंचर्स देखें। इस गत्ते के डिब्बे को फेंको मत, चलो इसे विंग्स में बदलें, पंख बनाएं और काटें। ये बिल्कुल बादल की तरह फ्लफी है। रंग बिरंगे फेदर्स लगाएं, दोनों तरफ से ढकें। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, हमें इन्हें सुरक्षित करना होगा। एक छोटा ब्रेसलेट बेल्ट बन सकता है। फालतू को निकालें और इसे कमर पर बांधें। अब पंख सुरक्षित हो गए। ये बहुत ब्राइट और चमकदार है। ये मैं फिर से उड़ सकती हूँ। बादलो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओ, मैं भूल ही गई थी कि आप जितना ऊपर जाओगे हवा उतनी तेज होगी। मेरा हेडबैंड मत ले जाना। इस तरह के यूनिकॉर्न हवा से नहीं डरते। स्पेस यूनिकॉर्न शेरी का अलग स्टाइल है। उसे डार्क शेड्स और कॉस्मिक लुक्स पसंद है। चलो उसके हेयर स्टाइल पर काम करें। सैटन रिबन लें, काटें और किनारों को सील करें। धागे निकालें। हमने हेयर एक्सटेंशंस बनाए, इन्हें चिपकाएं और मेकओवर हो गया। एंड्स को काटें और पोनीटेल बनाएं। हमें एक नई ड्रेस भी चाहिए। प्रिंट वाले कपड़े में से दो टुकड़े बनाएं। बॉडी सूट बनाने के लिए अगले और पिछले हिस्से को सिलें। कोनों पर चमकीली लगाएं। हमें इसे चमकदार बनाना होगा। आउटफिट अभी तैयार नहीं हुई। ये पंख वाली स्कर्ट के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। पेंट रिंग से हेडबैंड बनाएं। बैगनी और गुलाबी लाइट क्ले को ट्विस्ट करें। एक हॉर्न चिपकाएं, कुछ फूल और रिंग पर क्यूट ईयर्स लगाएं। चमकीली लगाएं और यूनिकॉर्न हेडबैंड तैयार है। ब्लाउज को इस लुक से पूरा करें। इसकी आई शेडो सितारे की तरह चमक रही है। लाइलैक लिपस्टिक लुक को पूरा करेगी। जितने ज्यादा पंख उतना बेहतर। तुम सहमत हो ना शेरी? मैं सहमत हूँ। स्पेस यूनिकॉर्न अपने दोस्त से ज्यादा शांत और सपने देखने वाली है, लेकिन उसे भी चमकती हुई चीजें पसंद है। गुड मॉर्निंग शेरी, जागने का समय है। ओह, मेरा पसंदीदा समय खत्म हो गया। मैं भूल गई थी कि आज लिली आने वाली है। मुझे सही कपड़े चुनने हैं। हमारे पास क्या है? मेरी दो पसंदीदा स्कर्ट। आपने ये पहले देखी हुई है। लिली ने मुझे सीक्वेंस स्कर्ट दी थी, मैं वही पहनूंगी। और ये मेरे बैग के साथ अच्छी लग रही है। जब तक शेरी अपने कपड़े चुन रही है, लिली को भी तैयार होना है। हमें एक सिंक चाहिए। एक पुराने पोनी का मेकअप होगा। चमकीले हटाएं और शरीर को सफेद एक्रिलिक पेंट से ढकें। एक रेनबो यूनिकॉर्न को रेनबो पंख चाहिए। ये पाइप काम आएगा। इस पर सारे रेनबो वाले रंग करें। टॉप को स्टायरोफोम बॉल से ढकें। पाइप को पोनी पर लगाएं और अटैचमेंट पॉइंट को चमकीली तार से ढकें। अब एक सिंक लगाएं। एक पुरानी बोतल में से ढक्कन निकालें और इसे पाइप में डालें। प्लास्टिक काटें। हमें और बॉल्स चाहिए। बोतल के हिस्से को नल की तरह लगाएं। हमने असली यूनिकॉर्न के लिए सिंक बनाई। गुड मॉर्निंग लिली, रेनबो यूनिकॉर्न काफी जल्दी उठ जाते हैं। मुझे अभी भी नींद आ रही है। मुझे अपने हाथ धोने होंगे और फ्रेश होना होगा। मैं जब भी सिंक का इस्तेमाल करती हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ। ये बिल्कुल मेरा स्टाइल है।
हमारी स्पेस यूनिकॉर्न की कुर्सी बनाने के लिए एक पुराना ग्लोब इस्तेमाल करें। ग्लोब को आधे में काटें। किनारों को पॉलिश करें। टुकड़ों को सही रंग से पेंट करने के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल करें। एक पुरानी टी शर्ट में से दो टुकड़े काटें। किनारों को चिपकाएं और मैट्रेसेस में रुई भरें। मुलायम सीट लगाएं। ये बहुत आरामदायक है। मैं इसके अपने कमरे में कल्पना कर सकती हूँ। शहरी ने अपनी ग्लोब आर्म चेयर को बढ़िया जगह पर रखा। वो हमेशा किताब पढ़ सकती है और कॉफी पी सकती है। जब से ये कुर्सी आई है तब से मैं ज्यादा पढ़ने लगी हूँ। टूथ केयर किट बनाएं। क्लियर स्ट्रॉ टूथपेस्ट की ट्यूब बनेगा। इसे सील करें और एक किनारा हटाएं। प्यारे दांतों के लिए प्यारा टूथपेस्ट। एक ट्यूब में स्लाइम्स और चमकीले मिलाएं। टॉप को स्टायरोफोम बॉल से ढकें। ढक्कन के रूप में एक बीड लगाएं। एक लेबल चिपकाएं और ये बन गया। हमें एक इको फ्रेंडली ब्रश बनाना होगा। बैम्बू स्टिक से एक हैंडल काटें। एक पुराने डॉल के बाल चिपकाएं और काटें। अब रेनबो यूनिकॉर्न अपने दांतों की अच्छे से देखभाल कर सकती है। लिली दिन में दो बार ब्रश करती है, सुबह और शाम को। खूबसूरत ब्रश और चमकीले टूथपेस्ट के साथ दांत साफ करना काफी मजेदार हो जाता है और ये आपके दांतों के लिए अच्छा है। शेरी स्पेस में जाने का सपना देखती है। एक पुराने पेंसिल शार्पनर में से एक बैकपैक बनाएं। केस को सही रंग में रंगें। एयर कैनिस्टर्स के रूप में दो बैटरीज लगाएं। प्लास्टिक से बने टर्बाइन्स लगाएं। थोड़ी और डिटेल्स और ये तैयार है। टूटे हुए हेयर टाई से स्पाइरल ट्यूब लगाएं। ऐसे बैकपैक के लिए हमें स्टड अटैचमेंट्स चाहिए। कॉफी स्टेरस में से फ्रेम बनाएं। स्पेस के रंगों से इसे हाईलाइट करें। बैकपैक को पंखों और बीट से बने नॉब से सजाएं। स्ट्रैप्स को सुरक्षित करें। इस बैकपैक से तो टाइम ट्रेवलर्स भी जलेंगे। ये अच्छा लग रहा है। शेरी ने इसे आजमाने का फैसला किया। ये बहुत शक्तिशाली है, मुझे ये पसंद है। शेरी, मैंने ऐसा बैकपैक कभी नहीं देखा। बेशक ये बैकपैक इंडिविजुअली तैयार किया जाता है। मैं अपने वाले का काफी समय से इंतजार कर रही थी और अब मैं बिना पंखों के उड़ सकती हूँ। ओह, इसकी आवाज डरावनी है। शायद आपको सेफ्टी नेट की जरूरत है। सब कुछ अच्छा होगा, देखो। शेरी, वापस आओ। देखा, पंख बहुत पुराने हो चुके हैं। टूटे हुए खिलौने का चेहरा इस्तेमाल करें। स्ट्रॉ का टुकड़ा काटें और इसे सर पर लगाएं। कुछ छेद करें। चमकीले और सीक्वेंस हमें सजाने में मदद करेंगे। शार बनाने के लिए थोड़ा फाइबर बोर्ड लें। स्पंज से शीट्स को पेस्टल रंग करें। ये रंग बहुत सुंदर है। शावर स्टॉल लगाएं। शावर को छेद में लगाएं। तौलिए का हुक बनाने के लिए एक रिंग का इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल कप का एक प्लास्टिक का टुकड़ा बाथरूम शेल्फ में बदल जाता है। ये आरामदायक शावर स्टॉल आपको बहुत खुश करता है। वॉक के बाद लिली ने शावर लेने का फैसला किया। मैं अपना तौलिया साथ लाई हूँ, मैं इसे यहाँ टांग सकती हूँ। यूनिकॉर्न ने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन पर रख दिए और वो अपना शैम्पू और बॉडी वॉश इस्तेमाल करने चली गई। मुझे शार लेना पसंद है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मोटे गत्ते से एक ओवल टुकड़ा काटें।
एक यूनिकॉर्न के आकार का इरेजर ऐसे काटे, इसे बैकग्राउंड पर चिपकाए। हर चीज बैंगनी रंगे, प्यूपिल्स और आंखें बनाए। हॉर्न पर चमकीला गोल्ड लगाए। बैकग्राउंड और मेन को क्लियर नेल पॉलिश से ढके, चमकीले छिड़के। किसी भी कमरे के लिए ऐसी सजावट बढ़िया है। स्पेस यूनिकॉर्न अपने दोस्त से मिली। लिली उसके लिए तोहफा लाई है। शेरी, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। वाह, कितना सुंदर यूनिकॉर्न है। चलो इसे दीवार पर टांगे। शुक्रिया, तुम बहुत प्यारी हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, लाल लीलू को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें।